एक व्हाट्सएप दो फोन में कैसे चलाए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है एंड यह जो व्हाट्सएप अकाउंट है सेम हम इसी फोन में भी चलाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यह पहला मोबाइल है जो कि इसमें यह व्हाट्सएप अकाउंट बना है, सेम यह व्हाट्सएप अकाउंट हमें इस वाले मोबाइल में चलाना है सेकेंड मोबाइल में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर इस मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एंड अगर पहले से इंस्टॉल है तो इसका जो है आप क्लोन सेटिंग में जाकर बना सकते हैं। फिलहाल मेरे मोबाइल में जो है पहले से कोई भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं था, तो पहले यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ओपन आप करेंगे एंड यहाँ पर लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके यहाँ पर एरो के आइकन पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर इंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर इसमें इंटर कर दे तो ये व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, यह व्हाट्सएप जो है इसमें रिमूव होकर इस मोबाइल में आ जाएगा। बट हमें यही व्हाट्सएप अकाउंट दोनों मोबाइल में यूज करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर थ्री डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक एज कंपेनियन डिवाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक QR कोड देखने को मिलेगा, तो आप जो है इस मोबाइल को आपको रख देना है एंड यह पहला वाला मोबाइल आपको लेना है। यहाँ पर थ्री डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिंकेड डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिंकेड डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूज मोबाइल डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड जो भी लगा है आप इंटर करेंगे, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यह जो QR कोड है आपको स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पर यह जो व्हाट्सएप है सेम इसी मोबाइल में भी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह व्हाट्सएप जो है मेरे इस फोन में है एंड इस मोबाइल में भी आ चुका है सेम व्हाट्सएप। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने मैसेज किया एंड यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो सेम व्हाट्सएप अकाउंट आप दो मोबाइल में यूज कर सकते हैं एंड अगर आप लॉग आउट करना चाहें तो सेम सेटिंग है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है इस मोबाइल से रिमूव हो जाए, तो इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यह व्हाट्सएप अकाउंट जो है इस मोबाइल से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है सेम व्हाट्सएप आप दो मोबाइल में चला सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।